हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग आपके आने वाले एग्जाम के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके और साइंस के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कई बार मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, बेकल झील या अमृत सागर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो चलिए हम लोग अपने डिस्कशन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक एफोटेरिक ऑक्साइड नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एफोटेरिक ऑक्साइड नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, स्ट्रोमिस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऊपर उठाए के हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? मतलब यह किसकी मापने की इकाई है ओडोमीटर? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन गति, दूरी, समय या ताप। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा दूरी। ओडोमीटर क्या मापने की इकाई है? तो यह है दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लॉ उत्पन्न होती है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लॉ उत्पन्न होती है? तो ये होती है नीली। ठीक है, नीली लॉ उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। एंड द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसको डिस्कवर किया गया था स्कॉटिश फिजिशियन है डैनियल रदरफोर्ड द्वारा। कब किया गया था? 1772 में। चार चीज़ें आपको याद कर लेनी है, सिंबल है N, एटॉमिक नंबर है 7 और इसको डिस्कवर किया गया था स्कॉटिश फिजिशियन है, नाम है डेनियल रदरफोर्ड 1772 में। ये फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा कस्क्यूटा। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चाकू से काटा जा सकता है किसको? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, सोडियम, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, इसका सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, एल्कली मेटल है ये, इतना आपको ध्यान में रख लेना है। सोडियम को चाकू से आप काट सकते हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मस्तिष्क कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? और चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आएगा मज्जा, जिसको हम इंग्लिश में मेडुला भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का घटक नहीं है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बायो घटक कौन कौन से हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। घटक नहीं है ये तो आपको पता होना चाहिए, प्लस कौन कौन से बायोगैस से घटक होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। ठीक है, जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो अब्बास तैयब जी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कौन सा सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, नो अखाली स्थित है कहाँ पर? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए।
देखिए इसका ऑफिशियल नाम क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इसकी कैपिटल है ढाका, और जो है यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, बंगाली है। यहाँ पे 90% लोग जो है मुस्लिम हैं, 9.5 हिंदू रिलीजन के हैं, 0.6 यहाँ पर हैं बुद्धिज्म, और 0.4 है क्रिश्चियन। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 90% आबादी है वो मुस्लिम है, और यहाँ की लैंग्वेज बंगाली है। ढाका है यहाँ की कैपिटल, और टका बांग्लादेशी टका जो है यहाँ की करेंसी है। तो नोखाली स्थित है कहाँ पर, तो ये स्थित है बांग्लादेश में। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक युग के बारे में जानकारी देता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर ऋग्वेद, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये है ऋग्वेद, ये भी आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऋग्वेद जो है प्रारंभिक युग के बारे में जानकारी देता है। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको आपको आंसर भी देना है, और प्लस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है। देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज हरवंश नारायण सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे करेक्ट आंसर। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, जनरल ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जनरल, जिसको हम लोग कैग भी कहते हैं, इसकी नियुक्ति की अवधि क्या है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, तो ये होता है कितना, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, और प्रेसिडेंट को ही ये जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। रिजाइन भी है प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट भी करता है। जब भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या लोकसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि कौन है, रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर राष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही ना हो, तो उनके पद पर कौन रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, हाथियों के बीच चींटी, आर्ट्स अमंग द एलिफेंट, किसके द्वारा लिखी गई है। देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज सुजाता गिदला। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल या किताब किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया अभी हाल ही के एग्जाम में, और इस चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तपन कुमार चंद, सदानंद गौड़ा, के एम परिकर। और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहेगा तपन कुमार चंद। अगला प्रश्न, नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है, लंदन, जकार्ता, ब्रुसेल्स, या अमेरिका। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लंदन। लंदन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, और इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर भी है लंदन, ठीक है। थेम्स नदी किनारे ये बसा है। बात आती है इंग्लैंड की, तो आपको पता होना चाहिए यूके, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश हैं, किस किस देशों से मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बना है, तो यह है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नदर आइलैंड एंड वेल्स। इसमें से इंग्लैंड की कैपिटल क्या है, लंदन, और इंग्लैंड का सबसे बड़ा सिटी भी कौन सा है, लंदन है, और ये थेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए बुकियान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, लंदन, चीन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा
दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया में नहीं हुआ, दक्षिण कोरिया में हुआ। दक्षिण कोरिया की बात आती है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेनी है। आपको पता है कि इसका ऑफिशियल नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियोल यहाँ का जो है ऑफिशियल, यहाँ की जो है कैपिटल है और कोरियन ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण उत्तर कोरिया नहीं होगा, दक्षिण कोरिया होगा, जहाँ पर अभी हाल ही में बुकयान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये हैं कौन, कामी शेरपा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कामी शेरपा जो है माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देयर इज फोर ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज अमिताभ बच्चन। बात आती है जीएसटी को तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेनी है। जीएसटी लागू कब हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है, वस्तु एवं सेवा कर इसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको कभी कभी कंजम्पशन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और जीएसटी जो बॉडी है इसको गवर्न कौन करता है? ये जीएसटी काउंसिल द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? ये होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया आपको, जो जीएसटी है ये जीएसटी काउंसिल द्वारा इसको गवर्न की जाती है। जीएसटी काउंसिल में टोटल 33 मेंबर होते हैं जिसको हेड किया जाता है किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, अभी कौन है, निर्मला सीतारमण जी। इतना चीज़ें आपको याद कर लेनी है जीएसटी से रिलेटेड। इनके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है 15 सितंबर को, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गार्बेज कैफे किस राज्य में खोला गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बात आती है छत्तीसगढ़ की तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लेनी है। देखिए यहाँ का छत्तीसगढ़ जो है इसकी कैपिटल कौन है, इसकी कैपिटल चेंज हुई तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल कौन है, नया रायपुर, और यहाँ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल। ठीक है, यहाँ का स्टेट ट्री कौन सा है? ठीक है, राज्य के वृक्ष साल है। बर्ड कौन सी है? स्टेट बर्ड है हिल मैना। और स्टेट एनिमल कौन सा है? वाइल्ड एशियन बफेलो। छत्तीसगढ़ यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इतनी चीज़ें आपको याद कर लेना है। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इसकी रैंक आती है 9th। फर्स्ट पे कौन आता है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा भारत का? राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और छत्तीसगढ़ का प्लेस आता है 9th रैंक पर आता है छत्तीसगढ़। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 1 पर है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद कर लें क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ खोला गया है? केरल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। एक खोला गया है केरल में, केरल की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन यहाँ के कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन है लास्ट, प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स में भारत की रैंक क्या रही? एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 140। ठीक है, प्रेस फ्रीडम अवार्ड में भारत की रैंक क्या है? 140। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर भी आपको जरूर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।